अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तो कैसे हैं आप सब लोग? इत्तेहाद रेस्पॉन्स में आप सभी का स्वागत है। वीडियो के अंत तक बने रहें। और आज हम जो है एक्स मुस्लिम समीर की बोंगियों का खुलासा करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। नाजरीन, अगर आपको याद हो कि इसने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट किया था जिसमें इसने लिखा था कि झूठ और फरेब और मक्कार की दुनिया में अच्छे और सच्चे लोगों की ज़रूरत नहीं है, जब लोग मौका परस्त हों और कभी भी वक्त और काम निकल जाने पर पाला बदल लेते हों, ऐसे लोगों के बीच रहना खुद को भी उन्हीं के जैसा बना लेना है। तो फिर इसने लिखा आगे कि मेरा दिल सोशल मीडिया के इस झूठ फरेब मक्कार और मौका परस्ती से अब उठ गया है। आगे भी इसने कुछ लिखा था कि मुझे बुरा बोल सकते हो, इल्ज़ाम लगा सकते हो, क्योंकि मैं सच मुंह पे बोलता हूँ, पर साबित नहीं कर सकते हो। हम साबित करेंगे कि तू कितना बड़ा झूठा है। फिर आगे इसने लिखा था कि कल इसकी लास्ट स्ट्रीम होगी, इसके बाद ये कोई स्ट्रीम नहीं करेगा। इसने ये बात जो है स्ट्रीम करके भी बोली थी कि इसकी ये लास्ट स्ट्रीम है। उसके बाद सभी को अलविदा कहा। उसके बाद इसके झूठ का हम खुलासा करेंगे कि ये सिर्फ एक झूठ नहीं है, बहुत सारे झूठ इसने अपनी ज़िंदगी में बोले हैं। और जो बात इसने लिखी है, झूठ, मक्का, फरेब, सारी चीज़ें एक्स मुस्लिम समीर के अंदर पाई जाती हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इसने कुछ दिनों पहले फिर से एक पोस्ट लिखा था जिसमें इसने लिखा है कि लॉइन इज़ बैक विद द रॉर, जा मेरे नाम के बिल फाड़ ले, जो खाड़ना है वो खाड़ ले। तो एक्स मुस्लिम समीर, तेरे अंदर शेरों वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? तू कुत्ता हो सकता है लेकिन शेर कभी नहीं हो सकता। तू जो वापस आया है उसकी वजह है हड्डी, ठीक है? जैसे कुत्ता बिना हड्डी के नहीं रह सकता, बिना बिस्किट के नहीं रह सकता, वैसे ही तेरी औकात है, ठीक है? जो तूने लिखा था प्रीवियस पोस्ट में कि झूठी फरेबी दुनिया, जो जैसा होता है उसको लोग भी वैसे ही मिलते हैं। तू झूठा भी है, मक्कार भी है, फरेबी भी है, और जो सनातनी भाई हैं उनको तू लूटने के लिए फिर से वापस आया है। तो तुझे ये लिखना चाहिए था कि द डॉग इज़ बैक विथ बार्क, ठीक है? तेरे कुत्ते वाली औकात है तो कुत्ते की तरह आया कर, ठीक है? तेरी ज़ुबान का कोई भरोसा नहीं है, और ये हम टेस्ट कर चुके हैं। जब मैं खान बॉय के नाम से तेरे चैनल पे गया था, तेरी पोल खोली थी मैंने वहीं पे, तब भी तूने यही कहा था कि अगर मैंने ऐसा कहा है मैं चैनल बंद कर दूंगा, लेकिन अब तक तू चैनल बंद नहीं किया। तूने आमिर भाई से वादा किया उनके साथ डिबेट किए करेगा, वहां से भी तू भाग गया कि तेरे चोट लगी हुई है, और खुद अपने चैनल पे 2 घंटे पूरे तूने स्ट्रीम की है। फिर तूने वादा किया था कि सैम स्टोलन भाई से तेरी डिबेट होगी, तो तूने सैम स्टोलन भाई को भी जो है बैक स्टेज पर काफ़ी देर तक रख के उनको भला बुरा कहा, और अपने आप को भला साबित करने के लिए तूने उनको ऊपर नहीं लिया। तो तेरा झूठ हमने लाइव तेरा झूठ हमने दिखाया। तो तू अपने वादे पे कभी नहीं उतर सकता, और तू जो है अली भाई से भी डिबेट में हार गया था, तो तूने अपने वादे कोई भी पूरे नहीं किए, तो तू कुत्ता है, कुत्ता ही रहेगा। एक्स मुस्लिम समीर, मेरा एक मैसेज है तेरे लिए कि जो झूठ और फरेब और धोखाधड़ी तू सनातनी भाइयों के साथ कर रहा है उससे तू भाग नहीं सकता। जो देश में तू नफरतें बांट रहा है उससे भी तू भाग नहीं सकता, चाहे तू कितने भी आजाद जैसे नाजायज बाप बना ले। तेरे लिए मेरे पास एक और वीडियो है। इसके बाद तेरी हर सांस तुझे धिक्कारेगी, जिंदगी बोझ लगेगी तुझे, और तू मौत को ढूंढता फिरेगा। कुत्ते का पिल्ला कुत्ता होता है, शेर नहीं। तेरा बाप कुत्ता है, तू कुत्ते का पिल्ला है, कुत्ता है तू कुत्ता।